उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जनसुनवाई सर्किट हाउस सभागार में आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती निर्मला सिंह पटेल तथा माननीय सदस्य इंजीनियर अशोक यादव द्वारा उक्त जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों को सुना गया। आयोग द्वारा जनसुनवाई में जनपद स्तर के निम्न अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध नोडल अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सहायक श्रमायुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, आबकारी अधिकारी, मद्य निषेध अधिकारी, जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के साथ ही समस्त बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक की उपस्थित रहेगी। ये ऐसी जो है नगरी है कि यहाँ VIP मूवमेंट भी बहुत रहता है, और VIP मूवमेंट होने के कारण कहीं ना कहीं हमें दिक्कत विभाग सभी लोग यहाँ तो व्यस्तता सबकी रहती है, और कोशिश हम लोग करते हैं कि इसमें जीरो हो जाए, लेकिन इनकी कोई एक स्थान नहीं पता लग पाता कि जहाँ से हम सभी लोगों को कलेक्ट करें। अभी मान लीजिए दो चार लोगों को करेंगे, इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई, कानूनी इन द सेंस कि जो उनको लाभ दिया जा सके उसको करते हैं, उसके बाद वो फिर से भी उधर, तो उसके लिए काउंसलिंग देखिए, हम लोगों को जो लग रहा है कि हम इनके गार्जियन के साथ काउंसलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उनको धमकाने और इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम इनकी काउंसलिंग की एक प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग बैठेंगे। आयोग की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कड़ा आदेश हमारे माननीय अध्यक्ष जी का गया है। हम लोगों के माध्यम से हम लोग भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे जहाँ भी मेन चौराहों पर, जैसे वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, जो नगर निगम है, जो छोटे शहर है, वहाँ भिक्षाटन आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन बड़े शहरों में, चूँकि आप एक VIP शहर में रहते हो, जहाँ शिक्षा की नगरी हो, धार्मिक नगरी हो, हर ये बड़ा माने यहाँ पास पास यूनिवर्सिटियाँ चल रही है तो बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप बड़े बड़े चौराहों को देखते होंगे कि जैसे ही रेड बत्ती जलती है गाड़ियाँ रुकती है, आप लाख प्रयास करो लेकिन वो नहीं रुक पा रहा है। उस पर हम लोगों का ये है कि एक पूरा विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और हमारा DPO जिला प्रशासन विभाग, ये सारे लोग मिलकर के हम लोग भी उसमें जाए कि रेस्क्यू करें उन बच्चों को, ऐसे जगह दे जहाँ पढ़ाई हो। गवर्नमेंट उनको सुविधा दे रही है, 2,500-4,000 माने पर मंथ पैसा दे रही है, वो बच्चे फिर क्यों ये करते हैं, भिक्षाटन क्यों करते हैं। हम लोगों को भी कष्ट होता है कि हमारे वाराणसी शहर में VVIP लोग आते हैं, बाहर से अदर कंट्री से लोग भी आते हैं, देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, लेकिन पहले से काफ़ी घटा है।